नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सोना भट्ट और आप सबका स्वागत है टेक होम टिप्स में। आज मैं आपके लिए उत्तराखंड की खास रेसिपी लेके आई हूं, जिसका नाम है पालक का कापा। आज हम बिल्कुल ऑथेंटिक स्टाइल से पालक का कापा बनाएंगे। बहुत ही सिंपल रेसिपी है, बिल्कुल देसी स्टाइल। और सबसे मजेदार बात है कि अगर आप इस तरह से पालक का कापा बनाएंगे ना, ट्रस्ट मी, आपका पूरा घर उत्तराखंड की खुशियों से महक उठेगा। अगर आपको उत्तराखंड की रेसिपीज पसंद है, या आप उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं, या अधिकतर वहां जाना पसंद करते हैं, तो आपने पालक के कापे का नाम जरूर सुना होगा। ये रिच, हेल्थ से भरपूर और सिंपल सी रेसिपी आप ट्राई जरूर कीजिएगा। कमेंट लिख के मुझे बताइएगा कि आपको पालक के कापा की ये रेसिपी कैसी लगी। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं बिल्कुल ट्रेडिशनल स्टाइल से पालक का कापा। तो यहाँ पर मैंने 400 ग्राम्स यानी 400 ग्राम लिया है पालक, और उसे बहुत अच्छे से धो लिया है। 2-3 बार पानी से धो के इस तरह से मैंने बारीक काट लिया है। तो बारीक में ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एक एक बिल्कुल बराबर होना चाहिए, थोड़ा सा रफली हम काट लेंगे, लेकिन याद ध्यान रखेंगे कि थोड़ा सा बारीक ही हो। और साथ में जो डंठल वाला सेक्शन है ना, इसे हटा लेंगे। तो जो बहुत सख्त आपको मोटी सी डंठल लगे उसे हटा दीजिए, जो मुलायम सी है उसे छोड़ देंगे। इसके साथ मैं लगभग 10 से 12 लहसुन लिए हैं और उन्हें मैंने इस तरह से छील लिया है, और अब मैं इन्हें बारीक काट लूँगी। तो चाकू की मदद से मैं इसको इस तरह से काट लूँगी। तो जो ये पालक का कापा होता है, इसमें लहसुन का जो फ्लेवर होता है ना, आहा, चार चांद लगा देता है इस सिंपल सी रेसिपी को। इसके साथ एक हरी मिर्च ले रही हूँ, इसे भी मैं बारीक काट लूँगी। अगर आपकी हरी मिर्च ज़्यादा तीखी है और घर में बच्चे हैं जिन्हें ज़्यादा स्पाइसी आप नहीं देते हैं, तो आप हरी मिर्च को कम भी कर सकते हैं या स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने हरी मिर्च को भी बारीक काट लिया है। अब हम लेंगे एक लोहे की कढ़ाई। अगर आप ट्रेडिशनल पालक का कापा बनाना चाहते हैं तो बिल्कुल लोहे की कढ़ाई लीजिए और सरसों का तेल लीजिए। तो यहाँ मैंने एक लोहे की कढ़ाई ली है और साथ में दो छोटा चम्मच मैंने सरसों का तेल यानी मस्टर्ड ऑयल ले लिया है। तेल गर्म होने पर लगभग 3 चुटकी हींग मैं इसमें डाल दूंगी, और उसके साथ मैंने लिया है आधा छोटा चम्मच जीरा, तो उसे भी हम डाल देंगे और इसे अच्छे से भून लेंगे। तो ये बेसिक सी पालक के कापे की रेसिपी बिल्कुल ट्रेडिशनल स्टाइल की है। और मैंने जो मिर्ची काटी थी और जो मैंने लहसुन लिया था, लहसुन का मैंने आधा भाग लिया है, आधा मैंने अभी छोड़ दिया है, तो इसे हम अच्छे से भून लेंगे। तो यही प्रोसेस, यहीं से आपके घर में जो है पालक के कापे की खुशबू शुरू हो जाएगी। जो लहसुन भुनेगा ना, इसकी खुशबू आहा। तो यहाँ पर देखिए, मेरा लहसुन बिल्कुल सुनहरे रंग का हो गया है, और अब हमने जो पालक काटा था वो मैं इसमें डाल दूंगी। तो यहाँ पर हम ये पूरी पालक इसमें डाल देंगे, और क्योंकि पालक है, इसे जैसे हम पकाते हैं ये सॉफ्ट होनी स्टार्ट हो जाती है बहुत जल्दी। और यहाँ पर देखिए, जैसे ही मैं डालूंगी, विदिन 30 सेकेंड्स पालक नरम होनी शुरू हो जाएगी, मुलायम होनी शुरू हो जाएगी। तो मैंने यहाँ पर ये एक फ्लैट सॉर्ट ऑफ जो है करछी ली है, इससे मैं इसे दबाऊंगी। तो दबाते दबाते हमें कुक करना है। तो एक्चुअली पालक का कापा एक थोड़ा सा ग्रेवी सॉर्ट ऑफ डिश होती है। तो हम यहाँ पर जो ट्रेडिशनल तरीका होता है, उसमें पालक पीसा नहीं जाता, हम ऐसे ही काट के इसको पकाते हैं, और जब वो पकता है तो वो मुलायम होता जाता है। तो यहाँ मैं चम्मच से देखिए इस तरह से इसे दबाती जाऊँगी, जिससे पालक अच्छे से मैश हो जाएगा और काफ़ी स्मूथ हो जाएगा बहुत जल्दी, क्योंकि बहुत ज़्यादा देर कुक नहीं करेंगे वरना पालक की सारी पौष्टिकता ख़त्म हो जाएगी। तो इस तरह से मैं दबाते हुए इसे पकाऊंगी, और 1/4 चम्मच में डालूंगी इसमें हल्दी, और इसके साथ में इसमें डालूंगी नमक 1 छोटा चम्मच, क्योंकि पालक है कम हो जाती है तो नमक ज़्यादा नहीं रखेंगे। और 1 छोटा चम्मच मैंने गरम मसाला इसमें डाला है। तो यही बेसिक मसाले हैं, दैट्स इट। इसके अलावा कोई एक और मसाला नहीं डालूंगी, और इसका जो अपना खुद का टेस्ट होगा ना, वो बहुत कमाल का होता है। तो पालक के कापे की मेरी अपनी कुछ यादें हैं। हमारे घर में पालक का कापा बहुत बनता था, और जब भी बनता था इसके साथ झोली ज़रूर बनती थी। झोली जो हम यहाँ बाकी जगहों पर कड़ी कहते हैं, पहाड़ में हम उसे झोली कहते हैं, और उसका बनाने का भी एक अलग तरीका होता है। तो अब मैंने लिया है यहाँ पर चावल का आटा, आप 1 चम्मच लेंगे इसको, और इसमें मैं डालूंगी लगभग 4 चम्मच पानी, और इसे अच्छे से घोल लेंगे। तो क्योंकि ट्रेडिशनल स्टाइल है इसलिए चावल का आटा लिया है। आप बेसन भी ले सकते हैं, या आप आटा भी ले सकते हैं, गेहूं का आटा, लेकिन चावल के आटे से बनाइए, और बिल्कुल ट्रेडिशनल जो टेस्ट आएगा ना, मतलब
आपको बिल्कुल इतना मज़ा आएगा इसे खाने में, और आपने अगर बचपन में खाया है या आप पहाड़ी हैं तो आप महसूस कर पाएंगे कि वाह, वही दादी और वही माँ के हाथ का स्वाद आएगा आपको। तो ये जो मैंने घोल तैयार किया है ये मैं इसमें डाल दूँगी और इसे थोड़ी देर, लगभग आधा मिनट पकने देंगे। तो जो ट्रेडिशनल बनता है उसमें तो सॉलिड चावल के दाने लेते हैं, उन्हें सिल में पीसा जाता है और पानी डाल के पीस के उसका घोल बनाया जाता है, पर मैंने यहाँ पाउडर ही इस्तेमाल किया है। और इसके साथ मैं आधा कटोरी पानी अब इसमें और डाल दूँगी और इसे लगभग 1 से 2 मिनट तक, जब तक इसमें अच्छा उबाल नहीं आ जाता, हम पकाएंगे। तो आप देखेंगे कि कुकिंग प्रोसेस भी बहुत ज़्यादा लंबा नहीं है, हमने बहुत ज़्यादा नहीं पकाया, तो पालक का जो एक्चुअल न्यूट्रिशन पार्ट है वो इसमें मेंटेन रहेगा और ये बहुत पौष्टिक रहेगा। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और टेम्पटिंग है, बहुत मन कर रहा है कि जल्दी से बने और खाएं। तो यहाँ पर अब मैं गैस को बंद कर दूँगी, ये पूरी तरह से पक गया है। और इसके साथ ही अब मैं एक सर्विंग बाउल ले रही हूँ जिसमें मैं पालक का कापा जो बना है उसे निकाल लूँगी। तो कुछ तो यहाँ तक का भी प्रोसेस होता है, कुछ लोग इस तरह से बनाते हैं, लेकिन जो असली टिपिकल पालक का कापा है उसमें जब तक मिर्ची का छौंका ना आए, लाल मिर्च का छौंका ना आए और घी की एक टेम्परिंग ना आए तो मज़ा नहीं आता। तो आज वही करते हैं। तो ये मैंने जो है सर्विंग बाउल में निकाल लिया है और मैंने एक तड़का लगाने का पैन छोटा सा रख दिया है, उसमें आधा चम्मच मैं घी ले रही हूँ। आप चाहें तो दोबारा से सरसों का तेल ले सकते हैं, पर मुझे इसमें घी का तड़का बड़ा मज़ेदार लगता है। और आधा चम्मच मैं ले रही हूँ जीरा, और जो लहसुन मैंने शुरुआत में काटा था और बचा दिया था वो लहसुन भी मैं इसमें डाल दूंगी। कटा हुआ लहसुन हमने डाल दिया है और इसके साथ मैंने अदरक को कुछ बारीक इस तरह से काट लिया है, वो भी मैं इसमें डाल दूंगी। और अब बारी आती है 2 सूखी लाल मिर्च डालने की, तो वो मैं इसमें डाल दे रही हूँ और इसे अच्छे से मिला लेंगे। और दोबारा से जो हम लहसुन को भूनेंगे ना, बिल्कुल सुनहरा होने तक भूनेंगे, और इससे लाल मिर्च भी अच्छी करारी हो जाएगी और खुशबू घी के साथ इन सब के भूनने की जो खुशबू होती है ना, वो ऐसा मतलब आपके टेस्ट बड को इतना बढ़ा देती है कि अगर आपको वाकई में थोड़ा खाने की इच्छा हो तो भी लगता है कि नहीं, आज तो थोड़ा ज़्यादा खाएंगे। तो अब ये टेम्परिंग यानी तड़का बिल्कुल तैयार है मेरे पालक के कापे के ऊपर जाने के लिए। तो यहाँ पर पालक का कापा और उसके ऊपर लहसुन मिर्ची और घी का तड़का, आहा, बस हमारा पालक का कापा तैयार है। ट्रेडिशनल पालक के कापे की रेसिपी आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा और कमेंट लिख के मुझे ज़रूर बताइएगा कि पालक के कापे की ये रेसिपी आपको कैसी लगी। कहीं पर इसे पालक का कापा तो कहीं पर पालक की कापड़ी कहते हैं, आपके यहाँ क्या कहते हैं ये भी मुझे बताइएगा। और अभी तक मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं जल्दी ही मिलती हूँ और ट्रेडिशनल रेसिपीज़ के साथ। टेक होम टिप्स देखते रहिए। आपका धन्यवाद।